पीर शाह आलम यस, उन्होंने मुझे बुलाया। प्यार से मैं उन्हें अंकल कहता हूँ। ये कौन लड़का है जिसका चर्चा पूरे पीरापुर में हो रहा है? मेरा क्लास फेलो है, कोई प्रॉब्लम है आपको? तुम जानती नहीं हो, पीरापुर की औरतें, खास तौर पे पीर खानदान की बीवियां, मर्दों से घुला मिला नहीं करती। छोड़ो मुझे। रोशना ना प्लीज, ये हिम्मत कैसे मुझे हाथ लगाने की? प्लीज छोड़ो। वो मुझे आपसे एक बात करनी थी। क्या बात है जहाँरा? मुझे रोशन आरा के बारे में बात करनी थी। अभी नहीं, मेरे वजीफे का वक्त हुआ जाता है। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। मुझे बस इतना कहना था कि रोशन आरा नादान है, उसको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं, आप प्लीज़ उसे नाराज़ मत हो। नादानियाँ पीर ख़ानदान पे नहीं जचती। आप सही कह रही हैं, मैं समझा दूंगी उसे, मगर वो यहाँ पली बड़ी नहीं है ना, तो उसे पता नहीं, आदत नहीं है चीज़ों की। तो आदत डाल ले, वो भी और तुम भी। तुम्हारी माँ भी बिल्कुल तुम्हारे जैसी थी, लापरवाह। मेरी माँ के बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो कहना है आप मुझे और रोशन आरा को कह सकती हैं। मुझे तुम दोनों के लहजे से बगावत की बू आ रही है, बिल्कुल तुम्हारी माँ की तरह। वो भी रस्सा तोड़ा के यहाँ से भागना चाहती थी, अपनी बेटियों को इस खानदान की रिवायात से दूर करना चाहती थी। वो तो क्या कहिए, मैं ज्यादा बात नहीं कर सकती, मेरे वजीफे का वक्त हो गया है। तुम्हारी माँ के बाद शाह आलम ने अपने बच्चों की जिम्मेदारी मेरे बजाय तुम पर सौंप दी, एक बच्ची पर। लेकिन मैं फिर भी गाफिल नहीं। अब जो तुम्हें पीर खानदान में दोबारा कबूल कर लिया गया है, तो अपने साथ साथ अपने बहन भाइयों की भी जिम्मेदारी तुम पर है। बाबा, बाबा आप यहाँ पे बख्तियार को रहने की इजाज़त क्यों दी? आपको पता है कितना तमाशा हो रहा है। आप प्लीज़ अभी चलें और उसको यहाँ से भगाएं, उसको कहें कि जाए यहाँ से, वो नहीं रह सकता यहाँ। तो मैं उससे खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। मैं उससे खौफज़दा नहीं हूँ। तो क्या उसके लिए खौफज़दा हो? नहीं बाबा, आप जानते हैं सब कुछ। पप्पा बहुत खफा है। उससे मैं बात कर लूँगा। प्लीज़ बाबा, आप जानते हैं वो किसी की नहीं सुनेंगी। आप जानते हैं वो गुस्से में कुछ भी कर सकती हैं और कुछ भी हो सकता है। जहाँ रहा हाकिम इस वक्त,
तुमसे ज्यादा खौफजदा है। हम बादशाह बेगम की बात कर रहे हैं ना, तो वो मुझसे खौफजदा नहीं हो सकती। देखो, फिरौन वही बनते हैं जिन्हें अपने आप और अपने बनाए हुए रस्मों रिवाज पर जब वो खड़े होते हैं उन्हें अपनी बुनियादें खोखली महसूस होने लगती हैं, खुद से मुतमईन ही नहीं होते, और जिन्हें अपने ऊपर एतमाद होता है उनके चेहरों पर सुकून होता है। खुद को देखो, और तुम्हें बचपन से अच्छी तरह पता था कि तुम्हारी हदूद क्या है, तुम्हें खुद पर एतमाद है, हमेशा से था, और मैंने बचपन से लेकर आज तक कभी तुम्हें यूं घबराते हुए अपने अल्फाज पे लरसते हुए नहीं देखा। अलावा आज के आई डोंट वांट टू इम्पोज ऑन यू, बट अगर वक्त मिले तो सोचना इस पर। शाबाश, जाओ मेरा बेटा, सो जाओ, गो। छोड़ो मुझे जहां आ रहा, मैंने कहा छोड़ो मुझे। ये शहर नहीं है रोशन आरा, जानती हूं। अगर जानती हो तो क्यों गई थी उससे मिलने? क्यों उसकी जान के पीछे पड़ी हुई हो? जानती उसकी जान जा सकती है? ऐसा तुम्हारे अलावा कोई नहीं जा सकता, ना मैं और ना ही इस हवेली में कोई और। यही तो तुम्हारी भूल है, तुम्हें नहीं पता यहां इस हवेली में बहुत कुछ हो चुका है रोशन आरा। इस हवेली की दीवारों के हजारों कान है और हजारों आंखें, सब पता है मुझे। अगर पता है तो क्यों मिलने गई थी उसे? क्यों उसकी जान के पीछे पड़ी हो? वो जिसके लिए यहां आया है कि तुम भी जानती हो और मैं भी, जो थप्पड़ मुझे पड़ा था ना जहां, वो थप्पड़ शहर से आयो? हाँ, यूनिवर्सिटी पढ़ते होगे? हाँ। सुना है मैंने शहर में अय्याशी बड़ी होती है। मुराद? जिसको जहां भी चाहिए जो भी चाहिए वो मिल ही जाता है। अच्छा, तो फिर मिलवा दो मुझे भी किसी लड़की से। लड़की से? हाँ, वो क्या है कि तुम शहर में होगे, यूनिवर्सिटी पढ़ते होगे, साथ में कोई लड़कियां होंगी ना, मिलवा दो मुझसे भी। वैसे भी सुना है मैंने कि शहर की लड़कियां ना बड़े खुले दिमाग की होती हैं, बड़ी प्यारी भी। मेरी क्लास में तो तुम्हारी बहन भी पढ़ती है। छोड़ो इन बातों को, मेहमान हो तुम हमारे। वैसे भी शहर के लड़कों को ना बात करने की तमीज नहीं होती। अय्याशी तुम लोग बहुत करते हो लेकिन बताते नहीं हो। मैं एक बात बताऊं,
जो याशी यहाँ होती है ना, शहर में नहीं होती। वो कैसे? वैसे कि शहर में तो तुम लोग खुद ही नाचते हो ना तवाइफों की तरह। आओ मेरे साथ, तुम्हें मर्दों की तमाशबीनी का बताता हूँ, मजा आएगा। तुम पता चलेगा कि अय्याशी कहते किसे हैं। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, थैंक्स। थैंक यू। अरे घबराओ मत, वो कुछ कहेंगी नहीं तुम्हें, तो तुम शहर जाके हुजूर हिसाब चुकता कर देना। क्या से हुजूर, आपको याद फरमा रहे हैं। आ रहा, चला फोटो खींच मेरे साथ। कैसे कैसे रात डिलीट। शुक्रिया। अरे भाई, आप कहाँ चले आ रहे हैं? आप तो अभी छोड़ नहीं गए थे। पीर साहब ने बुलाया। बाबा जरूर कह दीजिए, क्या जाएगा। मेरे लिए पीरापुर की गद्दी नशीन से बढ़कर और कुछ नहीं। हमें दो दिन हो गए पीरापुर आए हुए और तुम एक दफा भी मिलने नहीं आए। हूं तो मैं भी कई बरसों से यहां पर पीर साहब, मिलने तो आप भी नहीं आए। हाँ मिलने नहीं आया, लेकिन तुम्हारी पल पल की खबर तो मैंने ही रखी है ना। यूं ही तो नहीं बड़े हो गए तुम, आखिर बाप हूं तुम्हारा। कम से कम इस रिश्ते का एहतराम तो बनता ही है। आप मेरे लिए काबिले एहतराम है पीर साहब, ऐसी जैसे पूरे पीरापुर की रियाया के लिए, जिन्हें आपने कभी पलट कर भी नहीं देखा। इससे ज्यादा की तवक्को करना मेरे साथ ज्यादती होगी। तुम मेरी खाली गद्दी पे इतने अरसे से पीरापुर पे बेताज हुकूमत कर रहे हो, यह हक तुम्हें मेरे खून ने दिया है जो तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है। खून तो मेरी माँ का भी मेरी रगों में दौड़ता है पीर साहब, जब मुझे आपकी हथेलियों पर नजर आता है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारी माँ से मेरी शादी मोहब्बत की नहीं, मजबूरी की थी। अपने एहसासात से ज्यादा इस गद्दी को इसके वारिस की जरूरत थी। उसकी सजा आपने मुझे और मेरी माँ को दी, जिसने आपकी गद्दी के वारिस के लिए अपनी जान गंवा दी। आपसे ये नहीं हो सका कि उसकी मैयत को कंधा दे दीजिए, उसकी कब्र को मिट्टी बख्श दीजिए। तुम उस वक्त बहुत छोटे थे, उस वक्त के हालात तुम नहीं जानते। आप शायद भूल रहे हैं पीर साहब के पीरापुर में वक्त किस सुस्त रफ्तारी से गुजरता। एक लम्हे की गूंज नस्लों तक रहती है। मेरी जिंदगी तो उसी दायरे में रुकी हुई है, कब बचपन गुजरा पता ही नहीं लगा। मैं जानता हूं तुम उससे नाराज हो, लेकिन मुझसे नफरत करके सिवाय दुख के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। आपको मेरे दुख की परवाह कब से होने लगी पीर साहब? मुझे तुम्हें ऐसा देख के तकलीफ होती है। चलें, आज ये तसल्ली तो हुई कि मेरी तकलीफ किसी काम तो आई। आपको दुख देने का एक और जरिया है मेरे पास। तुम पे ये सब कुछ इस तरह छोड़ के जाना मेरी मजबूरी थी। मजबूरी नहीं, खुदगर्जी गई है पीर साहब। मेरे बुलाने पर आप पीरापुर आए, आपका बहुत शुक्रिया। अब जिस औलाद को महज गद्दी के लिए पैदा किया है, उसको यह गद्दी बख्श दीजिए। बादशाह बेगम और गद्दी का फैसला वक्त की जरूरत है, फिर मिलेंगे। शुक्रिया। और अगर तुमसे मैं ये कह दूं कि यह गद्दी मैं तुम्हें
नहीं दूंगा तो। अस्सलाम वालेकुम बाबा। बताया नहीं आपने भाई आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। हुजूर, खबर आई है कि बादशाह बेगम हाकिम बी ने पीर शाह आलम की शहरी बेटियों को पीर हवेली में दाखिले की रसूमात अपने हाथों से अदा कर दी। हुजूर, ये पीरामपुर में क्या हो रहा है? क्या बदतमीजी है खासर? बदतमीजी तो तुम लोग कर रहे हो पीरापुर के साथ, उसकी रिवायात का मजाक उड़ाकर। ऐसा क्या है शाहआलम के नमक में कि तुम उसकी वफादारी में पीरापुर की रिवायात से बगावत पे उतर आए हो? क्या मतलब है, कहना क्या चाहते हो? सुना है तुम मुर्गियों का फार्म खोल रहे हो, क्या वहां फार्मी चूजों के साथ साथ फार्मी बादशाह बेगम भी पैदा हुआ करेंगी? बादशाह बेगम का नाम तमीज से लो, कहीं ये रवैया तुम्हें महंगा ना पड़ जाए। अरे महंगा तो उस शालम और उसके नालायक बेटों को पड़ने वाला है। पीरापुर के लोग अनपढ़ जरूर है मगर अंधे नहीं है, वो देख सकते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। जो लड़कियां इस हवेली में ना पैदा हुई ना यहाँ की रिवायात को समझती हैं, अचानक से पकी पकाई खीर की तरह उन्हें शाहजेब की झोली में डाला जा रहा है, मुझे ये मंजूर नहीं, ये होने नहीं दूंगा मैं। वो पीर शाह आलम की जायज औलाद है, यही तारुफ उनके लिए काफी है। और रही बात रवायात की, तो उन्हें खानदान में शामिल करने की रसूमात बादशाह बेगम पहले ही अदा कर चुकी हैं। वो रस्में जो मेरी बेटी और मुस्तकबिल की असल बादशाह बेगम के लिए नहीं अदा की गई, जाके बता देना अपने उस बुजदिल शाह आलम को कि अब पीरापुर अपने असल हकदार के साथ अपना सर उठाएगा। चलो जनान खाने पे जाना मना है? जिसको ढूंढ रहा था वो तो यही मिल गई।
आइंदा यहां मत आना। अगर आप वहां आ जाएं जहां मैं होता हूं तो मुझे यहां नहीं आना पड़ेगा। मैं वहां आऊं या तुम यहां, बात एक ही। नहीं, दो मुख्तलिफ बातें। मैं तो सिर्फ आपकी तरफ बढ़ता हूं, आप हैं जो मेरी तरफ खिंची चली आती हैं। बहुत गलत फहमियां पाल रखी हैं तुमने अपने बारे में। अरे आप तो पीरापुर आके और मगरूर हो गई हैं। और तुमने भी उकसाने से बाज नहीं आया ना। अच्छा, इसका मतलब है कि मैं कामयाब हो गया। मैं रोशन आरा की बात कर रही थी। पागल आदमी, पता नहीं किस जोन में रहते हो। रोशन आरा तुम्हारी वजह से कोई पागल हरकत करेगी और बहुत बड़ा मसला क्रिएट होगा। यहाँ के लोग तुम्हारे शहरी फलसफों को नहीं समझेंगे, लीव। यहाँ के लोग जो शहरियों के बारे में सोचते हैं और जो उनके फलसफे हैं ना, वो मैं अच्छी तरह देख चुका हूँ। क्या मतलब, क्या हुआ? वो मुराद कुछ नहीं। इसीलिए मैं तुम्हारी बेहतरी के लिए कह रही हूँ, जज्बाती आदमी निकलो यहाँ से। आपको मेरी बेहतरी कितनी अजीज है ये मैं देख चुका हूँ, इसलिए बेहतर ये है कि मैं अकेले खुद सारे अपने फैसले कर लूं। आपके बाबा से मैं बात कर लूंगा, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। किस बारे में बात कर लूंगा? हमारी शादी की। तुम पागल हो गए? क्यों, इसमें अब आपको क्या मसला है? आपको लव मैरिज से मसला है ना, मैं इसको अरेंज कर देता हूँ, इसमें तो कोई एतराज नहीं है ना। मुझे मैरिज से मसला है, लव हो या अरेंज, मैं शादी नहीं कर सकती बख्तियार। व्हाई डोंट यू गेट इट? अपने दिल से खुद पूछे कि इसमें गलत क्या है। क्या किसी से मोहब्बत करना या इज्जत से हाथ मांगना गुनाह है? हाँ है, मारे लिए नहीं है मगर मेरे लिए है। और मैं इस तरह अब यहाँ खड़ी नहीं रह सकती, और तुम भी निकलो। ये क्या म्यूजियम है जो कैमरा लेके आ गए हो पागल? जाओ यहाँ से। रानी, इस पर कड़ी नजर रखो। बेहतर होगा कि आपस की पुरानी रंजिशों को भुला दिया जाए। दुश्मन सिर्फ एक वक्त की ताक में बैठा है। इससे पहले कि पीरापुर की तारीख अपना धारा बदले, हमें सोच समझ कर कोई कदम उठाना पड़ेगा। गद्दी की हवस को असूलों का नाम देना, शाह जेब को जेब नहीं देता खलीफा नवाज। तुम जानते हो जब हुक्मरान अपने लोगों की भलाई से ज्यादा अपनी ताकत के नशे को अजीज समझेंगे तो गद्दी के मायने और उसका मकाम दोनों खत्म हो जाते हैं। आप हालात की नजाकत को समझ ही नहीं रहे पीर साहब। कैसर और उसके आदमी पीरापुर की आवाम ने आपकी बेटियों की आमद को लेकर तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। उसका कोई सद्देबाप करना होगा, वरना ना ताकत का नशा रहेगा और ना मुरीदों की भलाई। कैसर की फितरत से आप अच्छी तरह वाकिफ हैं।
गाड़ी को खून लगा हुआ है, खैरियत तो है ना? हाँ, कुत्ते का बच्चा आ गया था, सारी गाड़ी पलीत कर दी, साफ करवा दे। सकीना, सकीना। क्या हुआ जमशेद, रो क्यों रहे हो? हमारा बच्चा। क्या हुआ हमारे बच्चे को? रामीर, पीरापुर में हवेली से इतना दूर? हाँ, बस जॉगिंग करते करते यहाँ तक आ गया हूँ। आओ मैं छोड़ दूँ। यार इस तरह अकेले फिरना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कैसी बात? तुम जानते हो बाबा और आप ही को मुझसे कई उम्मीदें हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं उम्मीदों पर पूरा उतर पाऊंगा। किन उम्मीदों की बात कर रहे हो? मैं यहाँ नहीं रह सकता भाई, ये जिंदगी मेरे लिए नहीं है। वापस लंदन जाना चाहता हूँ, वहीं रहना चाहता हूँ, वहां मेरी बड़े जज्बाती हो रहे हो। मैं जैसी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ वो यहाँ नहीं है। बाबा को समझाना भी इतना मुश्किल है कि ऑक्सफोर्ड से पढ़ने के बाद मेरे लिए पीरापुर में कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ क्या करूँगा? और ये सब कुछ तुम मुझे क्यों बता रहे? हरीफ के सामने हर राज नहीं खोलते। तो मेरे हरीफ नहीं, मेरे भाई हो, मुझे एक गद्दी नहीं चाहिए। तुम बाबा से अपनी दूरी कम करो, मैं उनसे बात करूंगा, इस गद्दी पर वो जरूर तुम्हें ही बिठाएंगे, यकीन करो मेरा। वैसे भी इसका हकदार तुमसे ज्यादा कोई भी नहीं है, मैं भी नहीं। वाओ, हेलो, हाय। ए क्या कर रहे हाँ घूर रहे? नहीं 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 नहीं, मैं तो बस गाय की भैंस की। बेशरम, कौन है, कहाँ से? बाबा, ये मेरी फोटो खींच रहे? नहीं 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 नहीं, कौन है? हराम खोर, हड्डी पसली एक कर दूंगा। है कौन, कौन है तुम? मैं बख्तियार, बख्तियार, मैं हवेली का मेहमान हूँ, मैं तो बस सिर्फ इधर आया। आई एम सॉरी, हवेली का मेहमान? साहब हमसे भूल हो गई साहब, हम तो जाहिल अनपढ़ मजदूर हैं बस, और तुझे नजर नहीं आता? निकाले साहब फोटो, निकाले इसको, जितनी फोटो है निकाली है निकालने दे। नहीं 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 नहीं, इसकी गलती नहीं है, गलती मेरी है, मुझे ऐसे नहीं आके तस्वीरें खींचनी चाहिए थी, आप लोग इंजॉय करें। ओके साहब, साहब साहब हवेली में जाके कुछ कहना मत साहब, वरना शाहजेब हजूर हमारी चमड़ी उदलवा देंगे साहब। नहीं कहूँगा, नहीं कहूँगा, शुक्रिया। Yeah.
ना 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 बच्चा रोते नहीं है, चुप चुप चुप, बस 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 हो जा, चुप हो जा अभी, चुप हो जा, चुप करना चुप। सगीना सगीना कितन मर गए? लाइए हजूर जी दीजिए। तुझे नहीं दूंगा, सगीना का है, उससे कहा भी था मैंने कि हर वक्त इसके साथ रहा करे। हुजूर उसका लड़का, क्या हुआ उसके लड़के को? कल आपकी गाड़ी के नीचे कुछ ला गया। ये बच्चे भी ना, चल पकड़ इसे आराम से। मेरा बच्चा, मेरा लाल, उठ जा, तेरी माँ तुझे बुला रही है, उठ जा। खुद को संभालो सकीना। क्या संभालो, मेरा बच्चा हमें छोड़ के चला गया। या अल्लाह, पागल तू रोती क्यों है? तुझे तो खुश होना चाहिए, ऐसी औलाद पैदा की है तूने। इतनी छोटी उम्र में पीर का इतना बड़ा वफादार, ये मरा नहीं है, कुर्बान हुआ है, पीर पे कुर्बान हो गया है। तुम लोग बैन क्यों कर रहे हो? आज तो जश्न होना चाहिए। तू भी मुस्कुरा मुस्कुरा। और चल, बादशाह बेगम तेरा इंतजार कर रही है बेताबी से, उसको संभाल, आजा आजा। अरे बंद कर इसको रोना, चल इंतजार कर रही है तेरा, चल उठ 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 उठ। चल आजा, चल चल। हुजूर, कैसर हवेली से मुलाजमा आई है, मिलना चाहती है आपसे। आ रहा हूं।
क्यों आई हो? हुजूर, औलाद की वजह से चुप थी, पर वो तो रहा ही नहीं। अब न किसी का खौफ है, न किसी का डर। कैसा डर, कैसी चुप? खोल कर बोलो। Yeah.